नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केसीटी के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूँ जनरल साइंस के कुछ ऐसे मजेदार की जो बात है, मीठे पेय यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है स्वीटेंड, उसके प्रमुख घटक क्या है, यानी कि उसके मीठे होने के कारण क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं आज। तो मीठा शीतल पेय का प्रमुख घटक ये क्वेश्चन है, तो अक्सर ये पूछा भी जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में यह है कि क्वेश्चन है द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक। यहाँ पे जो हिंदी में पेय लिखा हुआ है, इसका अर्थ है पीने से संबंधित होता है, ये पीने से संबंधित होगा इसका अर्थ, ठीक है, पीने से संबंधित होगा पेय। अब बोलता है इसका स्वीट एंड मतलब मीठे होने के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। आपके पास ऑप्शन में दिए होंगे कार्बोनेट वाटर, हाइड्रोक्लोराइड एसिड और फॉस्फोरिक एसिड या फिर कैफेन। अब जब हम इससे बात करेंगे कार्बोनेट वाटर की, या फिर आपको पता होगा कि वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन में दो मॉलिक्यूल्स और जो ऑक्सीजन का एक, प्लस इसमें अगर CO2 मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट वाटर हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि उसके मीठे होने के पीछे क्या कारण है, यानी कि उसका प्रमुख घटक क्या है, किसके लिए, मीठे होने के लिए। तो हम देखते हैं, इसलिए ये तो आंसर इसका होगा नहीं, क्योंकि ये H2O मिलकर क्या मतलब कार्बोनेट वाटर बना देता है। तो दूसरा है इसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड का सूत्र क्या होता है, HCl। अगर ये लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारे को जला देगा, इसीलिए ये भी क्या है, अगर हम इस एसिड को लेते तो क्या कर देता है, ये हमारे को जला देता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुआ। अब इसमें देखते हैं कैफेन के बाद, जो कैफेन है होता तो है, जो जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, कैफीन तो होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर ये बहुत अधिक मात्रा में लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये हमें नशे में बिल्कुल धुत कर देगा और क्या हो जाएगा, हम बेसुध हो जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रमुख बोला है इसमें, आप इसको ध्यान रखिए, प्रमुख मेनली उसमें क्या चीज लगा हुआ है जिससे वो मीठा हो जाए। तो सी ऑप्शन हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि अगर इसका आप फॉर्मूला देखिए तो क्या हो जाएगा, H3PSO4। अब इस सूत्र को याद रखिए। तो मीठे होने के पीछे जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, उस मीठा होने के पीछे क्या कारण होता है, उसमें ये फॉस्फोरिक एसिड लगा होता है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। और आप इस बात को ध्यान रखिए कि फॉस्फोरिक एसिड का ज्यादा मात्रा लगने से जो हमारी हड्डियां होती है वो कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए आज से जो भी बहुत ज्यादा जो ड्रिंक करते हैं, यानी कि जो मीठा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं, उसको आप ना करें, क्योंकि आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जो आपका हड्डियां है वो जल्दी से कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आप जो है बहुत कम यूज करें इसका। तो आज की वीडियो के लिए यही तक है, बहुत बहुत धन्यवाद।